महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जब आपके लोग, आपकी प्रजा प्रभु एक स्थान पर इकट्ठा है, आपका वचन कहता है मैं उनके बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि आप जीवित हैं और हमारी आशा को आपने जीवित रखा है। आप जीवित हैं इसलिए हम युगानुयुग जीवित रहेंगे। जितने भी भाई बहन, जवान, छोटे बच्चे, पिता सब दूर से आए हैं, धन्यवाद आप उन्हें सुरक्षित लेकर आ सके। और विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आप वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें। मैं सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी के पात्रों में धन को इकट्ठा किया है। हालेलुया। मिट्टी के पात्रों में, पुराने समय में जब गांव में लोग रहते थे तो अपने धन को मिट्टी के पात्रों में जमा करके उसे अपने घर के आंगन में या पीछे गाड़ देते थे ताकि चोर उसको ना चुरा सके। बिल्कुल इसी तरह पवित्र शास्त्र बाइबल हमें स्मरण दिलाते हैं कि परमेश्वर ने मिट्टी के पात्रों में अपने धन को इकट्ठा किया था। और ये मिट्टी का पात्र क्या है और ये धन क्या है? ये मिट्टी का पात्र आप है और जो धन है वो परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की योजनाएं हैं, परमेश्वर की भविष्य की नीतियां हैं। इसलिए जब मैं कहीं भी वचन बांटने जाता हूं तो मैं हमेशा लोगों को स्मरण दिलाता हूं कि आप परमेश्वर की समानता में बनाए गए। यू आर इन गॉड्स इमेज, इन गॉड्स लाइकनेस। सब कुछ इस संसार में है, एक भव्य संसार है, विराट अगम में, लेकिन कुछ भी परमेश्वर की समानता में नहीं रचा गया है केवल मनुष्य के अलावा। बड़े बड़े पहाड़, नदियां, यहां तक कि सुंदर फूल, पशु पक्षी, संसार की भव्यता को आप देखिए कितना विराट है। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में रचा है। ये हमारे आनंद का कारण है। और कितनी अच्छी बात है कि हम उस परमेश्वर को जानते हैं। मैं अपने कई मित्रों से, अपने तमाम पड़ोसियों से या तमाम लोगों से जिसमें मिलता हूं, मैं देखता हूं कि उनके मन में ईश्वर के प्रति कितनी भक्ति है, कितना समर्पण है। मेरे कई मित्र तो ऐसे हैं जो सुबह 4 बजे से ईश्वर की आराधना करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, उनके पैरों में चप्पल नहीं होता। सुबह की कल्पना थी, ठंड हमारे जयपुर राजस्थान में बहुत ठंड होती है, कोहरा पड़ता है, लेकिन फिर भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ लोग मंदिर के बाहर खड़े हैं। और एक आशा है, एक विश्वास है, परमेश्वर के प्रति एक समर्पण, एक भक्ति है। लेकिन आदरणीय संत तुलसीदास जी कहते, बिन जाने प्रीत ना पड़े। हम जिसको नहीं जानते हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना नहीं कर सकते। तो हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य कि हम उस परमेश्वर को जिसने आपको अपनी समानता में बनाया, आप उसे जानते हैं। आप अंधकार में नहीं है, संसार अंधकार में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी ज्योति को अपने लोगों पर प्रकट किया है। और इसलिए वचन बताता है कि जो ज्योति में है वो अंधकार में नहीं चलेगा। देखिए कितना अच्छा यह हॉल है, यह सब कुछ हो जैसा आप देख रहे हैं, सब कुछ हो सिवाय ज्योति के, तो क्या होगा? शायद कभी हम यहां टकराएंगे, कभी वहां टकराएंगे। इसलिए मनुष्य के लिए बड़ा आवश्यक है कि वो परमेश्वर की ज्योति में चले। और इसलिए स्वयं परमेश्वर इस संसार में ज्योति बनकर हमारे बीच में आया, क्योंकि परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है।
एक माँ के समान, एक पिता के समान। हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, माँ उसे तैयार करके स्कूल भेजती है, तो माँ को पता है कि बच्चे को भोजन में क्या पसंद है, नाश्ते में क्या पसंद है, वो टिफिन में रख के भेज देती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है, डिब्बा खोलता है, मेरी माँ ने वो चीज़ रखी जो मुझे पसंद है, जब वो लौट कर आता है तो उसके लिए खाना तैयार है। बिल्कुल एक माँ पिता के समान परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, इसलिए उसने सब कुछ बनाया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, मनन करते हैं, देखते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया ताकि किसी भी चीज में कमी ना रहे। कई लोगों का बड़ा घर होता है, अपने घर को वो इनॉग्रेट करते हैं, हम अपने घरों को इनॉग्रेट करते हैं। कब इनॉग्रेट करते हैं? जब वो बन रहा होता है, जब वो बन जाता है, तब हम अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं, आइए हमने घर बनाया, आइए देखिए। जब सब कुछ व्यवस्थित है, बिल्कुल इसी तरह जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और जब देखा सब अच्छा है, तब उसने मनुष्य बनाया ताकि किसी भी चीज में कमी ना रह जाए। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आप क्यों आनंदित हैं? हम इसलिए आनंदित हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, उस परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है और वो परमेश्वर हमसे बात करता है। मैंने अपने एक मित्र से पूछा जो ईश्वर की आराधना करते हैं, मैंने उससे प्रश्न पूछा, क्या तुम ईश्वर की आवाज को सुनते हो? Have you ever listened his voice? क्या कभी तुमने ईश्वर की आवाज को सुना है? वो मुस्कुरा दी, उसने नहीं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं और हम उसकी आवाज को प्रत्येक दिन सुनते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे हृदय से बात करता है, क्योंकि वो जीवित है। यह पर एक बड़ा अच्छा विचार है, हिस्ट्री, हिस्ट्री मेकर या हिस्ट्री। हम देखें इतिहास के ऊपर हम जरा नजर करें, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसकी गणना, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है। आधुनिक समय में अगर आप इतिहास की पुस्तकों को खोलें तो आपको तारीख मिलेगी 526, 1000 और उसके पीछे दो शब्द लिखे होंगे, ईसा पूर्व और ईसा पर, AD and BC। एनाटॉमी इज अ ग्रीक वर्ड, AD मींस आफ्टर डेथ नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं आफ्टर डेथ। एनाटॉमी इज अ ग्रीक वर्ड मींस द टाइम ऑफ गॉड, परमेश्वर का समय, एनाटॉमी, टाइम ऑफ गॉड, परमेश्वर का समय। दूसरा लिखा BC, बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले का समय और यीशु का समय और उसके बाद जो ये समय चल रहा है। तो टाइम ऑफ गॉड इज नॉट फिनिश्ड, परमेश्वर का समय खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। AD एनाटॉमी, द टाइम ऑफ गॉड इज रनिंग। कितनी अद्भुत बात है, मैं आपको बताऊं, यद्यपि इतिहास एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं और मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इतिहास में रुचि रखते हैं, हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, पर मैं आपको बताता हूं, ये दिखता बोरिंग है लेकिन अगर आप इसको मनन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, आपको इतिहास से प्रेम हो जाएगा, इतिहास से प्रेम हो जाएगा। पिछले दिनों में झांसी में था, एक कार्यक्रम के दौरान मुझे झांसी जाना था, मुझे वहां पर मेरे जो मित्र थे वो मुझे रानी लक्ष्मीबाई जी के किले में ले गए और जब मैं 3 घंटे उस किले में घूम रहा था, बड़ा अद्भुत था, इतिहास की खुशबू मुझे आ रही थी। जब मैं उन चीजों को देख रहा था, मेरा हृदय मुझसे बातचीत कर रहा था, मैं अपने मन से बातचीत कर रहा था, देखो वो यहां रही, यहां चली, उन्होंने ये किया, ऐसे हुआ, और पूरा पूरा इतिहास, जो वहां पर एक गाइड था, पूरा इतिहास उन्होंने हमें बताया। बड़ा रोचक था, बड़ा अद्भुत था। ये इतिहास
गुणों से भरा हुआ है। बड़े शानदार लोग जिन्होंने समाज पर, देश पर अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपनी योग्यताओं से प्रभाव डाला, अद्भुत लोग पूरे विश्व में, और भारत भी इससे पीछे नहीं, अद्भुत लोग, अद्भुत इतिहास भारत का। लेकिन हम इसके आगे चले, हम इसके आगे चले, इस संसार में बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े इतिहासकार हुए, लोगों के नाम पर इतिहास लिखा गया, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे उनका प्रभाव शून्य हो गया। आज हम इतिहास की पुस्तकों में उनके नाम इतिहास की पुस्तकों में बंद है, लेकिन इतिहास में व्यक्ति है, इतिहास में व्यक्ति है जो सर्वोपरि है, जिसका नाम यीशु मसीह। हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री क्या मतलब है, हिज स्टोरी, द स्टोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, हिज स्टोरी, हिज स्टोरी का मतलब है हिस्ट्री। कौन है यीशु मसीह, इस पर हम मनन करेंगे। लेकिन जो वचन आपके सामने रखा गया है वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपने धन को मिट्टी के पात्रों में रखा है। सबसे पहले हम आपकी बात करें, यू आर स्पेशल एंड यू आर यूनिक, आप अद्भुत हैं। एक बहुत बड़े इतिहासकार और वैज्ञानिक हुए, अल्फास को उन्होंने कहा कि जब मैं अंगूठे के निशान को देखता हूं, अंगूठे के निशान को देखता हूं तो मैं परमेश्वर की बुद्धि पर अचरज करता हूं। इस संसार में कितने लोग हैं, असंख्य लोग, लेकिन देखिए एक मनुष्य के अंगूठे का निशान जो है वो अद्भुत है, वो कभी किसी से मैच नहीं करता। यह है परमेश्वर की बुद्धि, यह है परमेश्वर की विशेषता। कितना अगम्य परमेश्वर है, और वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैंने अपनी बुद्धि, हम बात करें परमेश्वर बुद्धिमान है, हम बात करें परमेश्वर कितना महान है, लेकिन वचन कह रहा है कि उसने अपनी महानता को, अपनी बुद्धि को आपके अंदर रख दिया। अरे कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। एक बार मैंने अपनी बच्ची को अपना एटीएम कार्ड दे दिया और मैंने कहा बेटा जाओ एटीएम से कुछ पैसे निकाल के ले जाओ। मैं बाहर कार में बैठा था और उसने एटीएम कार्ड को देखा, कहा पापा मुझे नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट, मुझे नहीं मालूम कि एटीएम मशीन को, मैं एटीएम को मशीन में कैसे लगाऊंगी और कैसे, बट मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। तब परमेश्वर ने मुझसे बात की बिल्कुल इसी समान, मैंने मनुष्य के हाथ में अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी योग्यताएं दी, लेकिन उसे नहीं मालूम उसे क्या करना, उसे नहीं मालूम उसे क्या करना। लेकिन धन्यवाद करता हूं उस प्रभु यीशु मसीह का जो संसार में उतर गया है। जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, उसने हमें करके दिखाया, उसने हमें करके दिखाया, वो हमारा आदर्श बन गया। मैं यीशु मसीह के पीछे सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसने सिर्फ मेरे लिए जान दी और मेरा वो उद्धार करता परमेश्वर ने, लेकिन इसने भी कि जीवन शैली, प्रत्येक जीवन, प्रत्येक दिन के जीवन को उसने जी के दिखाया, एक अद्भुत जीवन। इसलिए इतिहास में उसका नाम सबसे सबसे सर्वोपरि। आप देखिए संसार महान लोगों से भरा है, अद्भुत लोगों से भरा है, लेकिन इतिहास में जाने के लिए, इतिहास को परिभाषित करने के लिए आपको यीशु मसीह से गुजरना पड़ेगा। आप तारीखें बदल नहीं सकते बिना यीशु मसीह के, बिना यीशु मसीह के आप तारीख लिख नहीं सकते। 2017
इस बात की घोषणा करता है कि आज से 2017 साल पहले आपका यीशु मसीह आपके लिए मारा गया। जब जब आप तारीख लिखेंगे डेली अखबार में जो न्यूज़पेपर में जो तारीख आती है उसको पढ़िए ध्यान से, ईस्वी पूर्व ADBC। प्रत्येक दिन का अखबार आपको इस बात का स्मरण दिलाएगा कि आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर एक महान घटना घटी थी। वो घटना क्या थी कि स्वयं परमेश्वर संसार में आया। मैं एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ रहा था नील आर्मस्ट्रांग का। नील आर्मस्ट्रांग जो सबसे पहले चांद पर गए। मैं कुछ महीनों पहले अमेरिका में था और वहां पर वो म्यूजियम है कि किस तरह नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो स्पेस में गए, उनके कपड़े, उनके जूते और वो सारी चीजें जो उन्होंने उसमें यूज की, अद्भुत चीजें, उनकी रोजाना की चीजें, वो सब कुछ वहां म्यूजियम में रखा। जब मैं उस म्यूजियम को देख रहा था बड़ा अद्भुत नजारा था। नील आर्मस्ट्रांग जो चांद पर गए वो वहां पे किस कुर्सी पे बैठे, किस मोटरसाइकिल से चले, चांद के ऊपर एक कार जैसी मोटरसाइकिल उससे वो चले, उनका टूथब्रश, उनके कपड़े, बड़ा रोचक था। इतिहास की चीजें देख रहे थे, ऐसा हुआ था। इतनी भावना में खो गए कि हम बिल्डिंग में ही खो गए कि हम खड़े कहां हैं और जो हमें लेने आए थे वो हमें ढूंढ रहे हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक घंटा लगा है किसी को ढूंढने में। अद्भुत। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए वापस लौट कर आए तो बहुत बड़ा मीडिया कॉन्फ्रेंस किया गया। नील आर्मस्ट्रांग से पूछा गया कि आपको कैसा लगा चांद पर, आप इतने दिन चांद पर रहे, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगा। नील ने कहा मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, मनुष्य का चांद पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि चांद को बनाने वाला परमेश्वर मनुष्यों के बीच में है। द गॉड हू क्रिएटेड मून ही लिव्ड अमंग अस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हम चांद पर पहुंच गए, बड़ी बात यह है द गॉड हू क्रिएटेड मून ही लिव्ड अमंग अस। इसलिए यीशु मसीह का नाम सर्वोपरि, उससे संसार को जीत लिया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी। संसार का इतिहास बताता है कि पूर्व काल के राजाओं ने युद्ध करके अपने राज्य को बढ़ाया, एक राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, एक राजा को मारकर बंधक बनाकर अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन यीशु ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इसलिए क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो फरिश्तों ने कहा था कि इसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। लोग जमीन की लड़ाइयां लड़ते रहे और वो दिनों को राज करता रहा। और इसलिए आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण संसार में अगर कोई दिनों का राजा है तो वो यीशु मसीह। करोड़ों लोगों के दिल में बसता है, अरबों लोगों के दिल में बसता है। जिन्होंने जमीन की लड़ाइयां लड़ी उनके नाम तो इतिहास की पुस्तकों में बंद हो गए। हम उन राजाओं के नाम से सभाएं नहीं करते, उन राजाओं के नाम से हजारों लोग इकट्ठे नहीं होते, उन राजाओं के नाम से कोई घर से बाहर नहीं निकलता और कोई उनके वचनों को स्मरण नहीं करता, खत्म हो गया। लेकिन एक यीशु मसीह है जो इतिहास का राजा है, हजारों सब उसकी सृष्टि में झूमते, प्रत्येक सुबह दोपहर शाम करोड़ों लोग उससे प्रार्थना करते हैं, अपने आंसू को बहाते हैं। इसलिए अगर इतिहास में आप जाना चाहते हैं तो इतिहास का दरवाजा यीशु मसीह से खुलता है। बड़ा रोचक अध्याय है और वर्ड चेंजर, मनुष्य क्या वर्ड को चेंज करेगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3:19 में लिखा है कि मनुष्य तो मिट्टी है, क्या हम संसार को बदल सकते हैं, कदम भी नहीं। लेकिन हाँ, वो इस संसार में आया, उसने संसार को बदल दिया। जहां युद्ध था उसने शांति फैलाई, जहां घृणा थी उसने प्रेम बांटा। इस वचन को देखेंगे कि उस परमेश्वर ने अपने ज्ञान को, अपनी योजनाओं को मिट्टी के पात्रों में रख दिया। इससे मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, यू आर नॉट ऑर्डिनरी, आप साधारण नहीं है। स्पेशली जो यूथ बैठे मेरे पास, ध्यान से सुने,
वचन बताता है हमको जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना, वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत लंबा भविष्य आपके आगे, बहुत कुछ आपको करना है, लेकिन उस परमेश्वर को अपने साथ चलने दीजिए। जब वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आप परमेश्वर की महानता को देखेंगे। मैं एक प्रश्न हमेशा लोगों से पूछता हूं, हाउ डू यू वर्शिप गॉड? आप परमेश्वर को कैसे आराधना करते हैं? ठीक है, हम परमेश्वर के गीत गाते हैं, लेकिन आराधना का सच्चा मतलब क्या है? सबसे पहले आराधना शब्द, वर्शिप शब्द कब इस्तेमाल किया गया? अब्राहम के समय में। सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय में जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम तू अपना इकलौता बेटा जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, वो तैयार हो गया। उसने अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए, बलिदान करने के लिए दे दिया। आप जब घटना को मनन करेंगे तो देखेंगे जब वो पहाड़ पर लेकर जब अपने बेटे को जा रहा था मोरे पर्वत पहाड़ पर, उसने अपने सेवकों से कहा तुम यहां रुको, मैं और मेरा बेटा हम जाते हैं। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है वी वर्शिप गॉड एंड कम बैक, हम आराधना करते हैं वापस आते हैं। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है दंडवत करते हैं। हम कब परमेश्वर की आराधना करते हैं? उसकी आज्ञा को मानकर, व्हेन वी ओबे गॉड। इससे पहले सैमुएल 15:22 में लिखा है द ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। बिल्कुल एक छोटे बच्चे के समान, जब एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है तो जीवन को पाता है, शांति को पाता है, समाधान को पाता है। इससे मनुष्य की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसके साथ साथ चले। एक बड़ी रोचक बाइबल में घटना है लूका उसका 10 अध्याय 25-33 तक। ये नेक सामरी की घटना है। बचपन में संडे स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती थी नेक सामरी बनो। बड़ी सुंदर घटना है, मैं इस घटना को पढ़ता हूं मुझे बड़ी आशीष मिलती है। क्या हुआ? एक मुसाफिर था जिसे डाकुओं ने लूट लिया और उसे घायल कर दिया और उसे मरा हुआ छोड़कर चले गए। उस मार्ग में से कुछ याजक निकले, लेवी निकले, उन्होंने उस घायल को देखा और उन्हें आराधना के लिए जाना था, भक्ति के लिए जाना था, वो चले गए। आगे देखते हैं वचन में लिखा है कि फिर वहां पर एक यात्री जो सामरी यात्री था वो वहां से जा रहा था और उसने घायल को देखा, उस पर तरस खाया। अब देखिए एक घटना है, लेकिन 2-3 प्रकार के लोग हैं। सबसे पहले वो डाकू, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? जो तुम्हारा है वो मेरा है, अर्थात जो तुम्हारे पास है मैं उसे छीन लूंगा, वो मेरा है, जो तुम्हारे पास है वो मेरा है, इसलिए मैं छीन रहा हूं। और उन्होंने उस व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो छीनना चाहते हैं। इसी परमेश्वर हमें बताते हैं अपने वचन के अनुसार कि हमें उनके सदस्य नहीं बनना, हम छीनने वाले लोग नहीं। दूसरी ओर हम देखते हैं याजक उसे देखा, उस पर तरस खाया, चले गए। अर्थात तुम किसी भी दशा में हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट केयर अबाउट यू, वी लिव ओनली फॉर अवर सेल्फ, हम अपने लिए जी रहे हैं, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, चले गए। लेकिन तीसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण था। उसने क्या कहा? उसने कहा जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो तुम्हारा है, अर्थात उसने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपना धन दे दिया। एक तरफ जो तुम्हारा है वो मेरा है, दूसरी तरफ जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये शिक्षा प्रभु हमें देते हैं। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम कहें कि जो तुम्हारा है वो मेरा है। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि जो हमारा है वो
हम दूसरों के सिर बांट सके, कहें जो मेरा है वो तेरा है। प्रभु ने हमें देने के लिए बोला है, छीनने के लिए नहीं बोला है। यह है प्रभु यीशु मसीह का जीवन, यह है प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत। इसे कहा कि उसने मिट्टी के पात्रों में अपने धन को इकट्ठा किया, और धन जो पिता का धन है वो पुत्र के लिए है। इसलिए तो उड़ाऊ पुत्र के पिता ने अपने अपने पुत्र को धन दे दिया था। उसने क्या किया, उसने कहा जो मेरा है वो तेरा है, अर्थात उसने अपने पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है, He has called us to contribute in this world। उसने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम समाज में, दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन करें, हम दें, क्योंकि जो हमारे पास है वो हमें परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर भलाइयों का स्रोत है। मेरी और आपकी हालत तो चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, जो काला है, अंधकार है, उसमें रोशनी नहीं है, लेकिन उसे चमकने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। मून हैज नो लाइट, चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा को चमकने के लिए सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर कोई भलाई नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपने धन को हमारे अंदर रखा है, जो कुछ है उसका है। इसलिए परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया कि हम इस संसार में कॉन्ट्रीब्यूशन करें। हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या हम इस संसार में केवल अपने लिए जी रहे, अपने आनंद के लिए जी रहे? इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने जीवन को अपने लिए जी रहे, उनको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज द जनरेटर ऑफ सोर्स एंड हैप्पीनेस। परमेश्वर आनंद का, जीवन का उत्पादक है, पैदा करने वाला है, और उसने आपको ट्रांसफॉर्मर के समान रखा है। यू आर जस्ट लाइक ए ट्रांसफॉर्मर, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया गया है। परमेश्वर तो पावर हाउस है, वो प्रत्येक दिन आनंद को, अपनी योजनाओं को अपने बच्चों के हाथ में दे देता है, ताकि आप और मैं छाकर उस परमेश्वर के महान कार्य को कर सके। He has called us, उसने हमको महान कार्यों के लिए बुलाया, बड़े कामों के लिए बुलाया। इसलिए हम देखते हैं यूहन्ना उसका 6:9 के अनुसार, फिलिप्पुस कहता है यहां एक छोटा लड़का है। ध्यान से सुनिए, बड़ी रोचक घटना है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ और तमाम संगत के संग पहाड़ पर बैठे, हजारों लोग वहां पर बैठे, 5,000 लोगों का विवरण किया गया है, और 3 दिन से ये सभा चल रही है। अतः परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से पूछा कि इतने लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करो। तो फिलिप्पुस ने क्या कहा, उसने कहा कि यहां एक छोटा लड़का है। आप कल्पना कीजिए कि अगर वहां वो छोटा लड़का नहीं होता तो क्या होता, सोचिए। अगर हजारों की भीड़ में अगर ये छोटा लड़का नहीं होता तो क्या होता, ये इतिहास नहीं लिखा जाता, ये इतिहास नहीं लिखा जाता, ये कहानी नहीं लिखी जाती। That's why God has appointed you somewhere। इसलिए परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है, somebody here kept you। उसने आपको कहीं एक स्थान दिया है और लोग आपसे आशा रखेंगे। फिलिप्पुस ने कहा यहां एक छोटा लड़का है, वहां बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े याजक और फरीसी भी हैं, लेकिन उनको नहीं गिना गया, गिना गया एक छोटे लड़के को। यह एक छोटा लड़का, यह हमारी मदद करेगा, इसके पास कुछ है, इसके पास 5 रोटियां हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको एक स्थान पर रखा है और दुनिया आपकी ओर देख रही है। आपका समय आएगा, एक समय आएगा जब आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, जब समाज आपकी ओर देखेगा, लोग आपकी ओर देखेंगे, आपके मित्र आपकी ओर देखेंगे, आपका परिवार आपकी ओर देखेगा, आपके चाहने वाले आपकी ओर देखेंगे। He is the man. He is the man who source of blessings. She is a woman of blessing. ये परमेश्वर की बेटी है, हम इससे आशा रख सकते हैं। आप समझ रहे हैं? It's very important।
हम बात कर रहे थे हाउ यू कैन लव गॉड, कैसे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया, उसकी आज्ञाओं को मानकर आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दे वर्शिप गॉड बट दे डोंट ओबे गॉड। जब वो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, सिगरेट का पैकेट बाहर रख देते हैं, सोचते लौट कर आकर मिलेगा, नहीं मिलता, फिर दूसरा खरीद लेते। परमेश्वर इस तरह के जीवन की कल्पना नहीं कर रहा कि हम सवेरे 8 बजे परमेश्वर की आराधना करें हाथ जोड़कर और शाम को 8 बजे कहीं और हाथ जोड़े 8 PM। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक पवित्र जीवन जिए। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, उसने कहा मेरे समान बन, फॉलो मी। बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं भैया से पूछ रहा था क्यों आपने ये टॉपिक रखा। उन्होंने बताया कि वो हर साल इस तरह का मीटिंग करते हैं और एक थीम लेके चलते हैं, हिस्ट्री मेकर, व्हाट चेंज। आपको मालूम है एक दिन क्या हुआ? एक दिन प्रभु यीशु मसीह पतरस से मिले और पतरस को कहा कि पतरस दाहिने जाल डाल। आप सोचिए कि उस दिन अगर पतरस ने दाहिने जाल नहीं डाला होता तो आज पतरस क्या कर रहा होगा? शायद वो आज भी मछलियां पकड़ रहा होता। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने दाहिने जाल डाला और उसके जीवन का इतिहास बदल गया। हालेलुया, वो जो साधारण व्यक्ति था, वो जो सामान्य व्यक्ति था, अनपढ़ गवार था। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़े, महासभा के सामने खड़े होकर यीशु मसीह का प्रचार किया, लोग उसके नाम से थरथराने लगे, पतरस को देखकर लोग भाग जाते थे क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती थी, लोग थरथराते थे। एक साधारण व्यक्ति, प्रभु कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। हालेलुया, एक साधारण मछुआरा, यानी ओबेद खान, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको स्वर्ग की कुंजियां दी और कहा पतरस मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। एक साधारण व्यक्ति, सिंपल ऑर्डिनरी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू हु आर यू एंड व्हाट यू कैन। आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं? द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन जॉन 15:15, यू आर हिज फ्रेंड, आप उस परमेश्वर के मित्र हैं। आपको अपने जीवन की घटना बताता हूं। सन 2000 में मैं प्रभु की एक सभा में बैठा था और प्रभु के एक डांस प्रचार कर रहे थे। मैं जवानों की भीड़ में बैठा था, अभी भी जवान हूं पर 17 साल पहले भी जवान था। परमेश्वर के डांस परमेश्वर के वचन से बात रहे थे। मेरे मन में एक विचार था, हमेशा से एक विचार था, आई वॉन्ट टू टच द स्काई, मैं आसमान छूना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन माई लाइफ। मेरी अभिलाषा थी कि मैं इंजीनियरिंग को पास करूं और एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे सहायता की, आगरा यूनिवर्सिटी को मैंने इंजीनियरिंग में टॉप किया। आई डन वेरी गुड इन माय स्टडीज। लेकिन जब मैं उस सभा में बैठा था, मेरे मन में एक प्रश्न आया कि मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा योगदान क्या कर सकता हूं, मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या कर सकता हूं। और परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब पतरस ने दाहिने जाल डाला, परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उस साधारण मनुष्य को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। जो वचन मैं आज आपको दे रहा हूं, मैं चुपचाप अपनी भीड़ में बैठकर सुन रहा था और अपने जीवन का मूल्यांकन कर रहा था, मैं कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता, इंजीनियर, मैं भविष्य में बड़े अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, लोग मेरे सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे,
लेकिन मैं कितना अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकता हूं? हो सकता है कि कोई मुझसे भी अच्छा सॉफ्टवेयर बना सके, कोई मुझसे भी बड़ा इंजीनियर आ जाए। इस कला का कोई अंत नहीं है, इस विज्ञान का कोई अंत नहीं है। लेकिन क्या जिन लोगों के लिए मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, क्या वो सदैव जीवित रहेंगे? क्या उनके जीवन का उद्धार होगा? क्या वो परमेश्वर को देखेंगे? वचन में लिखा है, धन्य जिसके मन पवित्र है वो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य जो दयावंत है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन मेरे मन में घूमने लगा और मैंने अपने मन से सोचा, मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूं? एक तरफ मेरी महत्वाकांक्षाएं थी, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, आई वांट टू टच स्काई, मैं आसमान छूना चाहता हूं। और दूसरी तरफ परमेश्वर यह कहते, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मेरी हालत पत्रस के समान थी, आई वॉज इन बिटवीन एंड थिंकिंग व्हाट टू डू, मैं क्या करूं? लेकिन मैं खड़ा हुआ, मैंने अपना हाथ उठाया और प्रभु से कहा, प्रभु द डे आई विल कंप्लीट माई स्टडीज, जिस दिन मैं अपने स्टडीज को पूरा कर लूंगा, आई विल श्योरली वॉक टू द मिनिस्ट्री, और मैं सेवा के लिए निकल पड़ूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे मनोरथों को जानता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे महत्वाकांक्षाओं को, हमारे मनोरथों को, हमारी योजनाओं को जानता है। और मैं आपका एक मित्र, एक भाई होकर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज मैंने आसमान नहीं छुआ? क्या आज मैंने आसमान नहीं छुआ? आई हैव टच्ड द स्काई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर हमारी अभिलाषाओं को जानता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू कि परमेश्वर आपकी छोटी से छोटी खुशी के लिए आनंदित है। वो जानता है आप किस चीज के, किस विषय में आनंदित है, वो आपके आनंद को जानता है और वो निश्चित आपके आनंद को पूरा करेगा। इसलिए वचन कहता है कि मेरा वचन अगर तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। ही नोज योर चॉइस, उसे पता था। जब मैं 11 साल का था, एक प्रभु के दास जो अमेरिका से आए थे, he was preaching. So he said one thing. उन्होंने कहा, Today you ask what you want. आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो मैं एक छोटा बच्चा था और अमेरिका शब्द दिमाग में था, तो मैंने प्रार्थना कर ली कि आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका। तो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आपको क्या चाहिए? मुझे श्वास नहीं है। Receive your healing in the name of Jesus Christ. जब मेरी बारी आई, मैंने उनसे कहा, I want to go America. वो शॉक हो गए, हंसने लगे, क्योंकि मैं छोटा बच्चा था। उन्होंने मेरे से याद रखा, God will surely take you to America. I didn't know. मुझे नहीं मालूम था ये मैंने क्या मांगा है और ये कैसे होगा। But the time of God is near. The time came. God took me there. समय आया, परमेश्वर मुझे बड़े आदर और सम्मान के साथ लेकर गया, बड़े आदर और सम्मान के साथ लेकर गया। God knows your choices, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। और जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, आपके मन में परमेश्वर की कोई अभिलाषा है, परमेश्वर आपकी अभिलाषाओं को तुच्छ नहीं जानेगा। अगर आपने परमेश्वर से कोई अच्छा कपड़ा मांगा है, God knows your desire. अगर परमेश्वर से आपने घर मांगा है, God knows your desire and he will fulfill, he will help you, he will guide you, he will restore you. लेकिन इसके अगेंस्ट में, इसके विपरीत हमारी क्या परिभाषा है? उसने कहा है, you are the light of the world, आप संसार की ज्योति हो। कभी आपने सोचा कि मेरे जीवन का योगदान क्या होगा, मेरे जीवन का मकसद क्या होगा? आज संसार में सबसे अधिक धन मनोरंजन के ऊपर खर्च किया जाता है। द बिगेस्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ा धन का हिस्सा मनोरंजन के ऊपर खर्च किया जाता है। मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनसे कहा, क्या आप इतवार के दिन प्रभु के वचन को सुनने के लिए आएंगे? उन्होंने मुझे कहा कि मैं प्रत्येक इतवार सुबह 6:30 से 11 बजे तक क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूं। I really cried in my heart. सच में अपने दिल में रोया। I'm still praying for him.
4 years he never came to church, he never came to listen word of God, because the cricket uske jeevan ki abhilasha hai, cricket uske jeevan ka kendra ban chuka hai. My dear friends, this evening I really want to ask you, what is the purpose of your life? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूं. I must follow the God's will. क्योंकि जब मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा, मैं जीवन को देखूंगा. I will see the life. मैं निश्चित परमेश्वर के जीवन को देखूंगा. आपको मालूम है, एक बीज, छोटा सा बीज, उसके अंदर एक शक्ति है कि वो पूरा पेड़ बन जाए, परंतु उसे एक सही मिट्टी की आवश्यकता है. अगर आप बीज को, एक छोटे बीज को सही मिट्टी में बो देंगे तो वो एक पेड़ बन जाएगा. बिल्कुल इसी समान आपके अंदर बहुत सी सामर्थ है, आपके अंदर बहुत सी योग्यताएं हैं उन बीजों के समान, लेकिन सही संगति और परमेश्वर का ज्ञान आपके जीवन में उस वृक्ष को पैदा करेगा. जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, प्रभु का वचन होशे नबी 4:6 में लिखा है, बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश हो रही, बिना ज्ञान के परमेश्वर की प्रजा नाश हो रही है. मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, रीड द वर्ड ऑफ गॉड. आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें. ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक. इसमें सामर्थ्य है, इसमें जीवन है, ये परमेश्वर का हृदय है. आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के हृदय को स्पर्श करते हैं. तो परमेश्वर का वचन नूहा के पास में आया. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. जब परमेश्वर ने नूहा से कहा, नूहा तुम्हें एक जहाज बनाना है. संडे स्कूल में हम इस कहानी को पढ़ते थे. नोहा ने अपने जीवन में कभी जहाज नहीं देखा था. आज हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम फ्लिपकार्ट पे चले जाते हैं, गूगल में चले जाते हैं, और उस चीज को खरीदने से पहले हम उसे परख लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं. जो जवान बच्चे हैं वो जानते हैं, यू कैन गो ऑन अमेज़न, यू कैन गो ऑन फ्लिपकार्ट. पर नोहा के सामने कोई अमेज़न और कोई फ्लिपकार्ट नहीं था. परमेश्वर का वचन नूहा के पास में आया. परमेश्वर ने नूहा से कहा, नूहा इस संसार को अंत करने का समय आ गया है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू धर्मी है. यू आर राइचियस इन माय साइट. मैं तेरे द्वारा एक नई प्रतिज्ञा को, एक नए इतिहास को रचूंगा. और तब क्या हुआ? परमेश्वर की आज्ञा नूहा को आई. इट वॉज नॉट ईजी फॉर नूहा. ये नूहा के लिए आसान नहीं था. 105 साल तक नूहा जहाज बनाता रहा. इन 105 सालों में कितने लोगों ने उसे निराश किया होगा, इन 105 सालों में कितने लोग उसके लिए अड़चन बन गए होंगे, लेकिन 105 साल तक नूहा परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा. उसने कभी बारिश नहीं देखी थी. वचन बताता है तब तक बारिश संसार में नहीं हुई थी, कोहरे से भूमि सिक जाती थी. नूहा ने कभी जहाज नहीं देखा था, उसने बारिश नहीं देखी थी. और यह जहाज कैसे चलेगा, इसे कौन चलाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, इसका लक्ष्य क्या होगा, कुछ नहीं मालूम. सिर्फ इतना मालूम है परमेश्वर ने कहा है. हालेलुया. साल 2005 अक्टूबर 22 तारीख रात को ठीक 3:30 बजे परमेश्वर ने मुझसे कहा, उठ और वचन निकाल. पिछले 3 महीने से मैंने अपनी बाइबल को नहीं पढ़ा था. रात को 3:30 बजे मुझे नहीं मालूम था मेरी बाइबल कहाँ रखी है. I had no idea, but I was shivering in his presence. मैं उसकी उपस्थिति में कांप रहा था. उसका वचन नूह के समान मुझ तक पहुंच गया था, सामर्थ के साथ. उठ और वचन को निकाल. I got fever in his presence. मेरे शरीर को कांप कांप चल गए. मैं थर थराने लगा, मुझे बुखार आ गया. रात को 3:30 बजे मैं अपनी बाइबल को पूरे घर में ढूंढ रहा था. जब मैंने परमेश्वर का वचन खोला, प्रभु ने मुझे वचन दिया. प्रेरितों के काम उसका 22:21 पद.
Book of Acts, chapter 22, verse 21. वहाँ लिखा है, I will send you far away to the Gentiles. मैं तुम्हें दूर दूर अन्य जातियों के बीच में भेजूंगा. You will be my witness among them. तुम मेरे लिए संदेश वाहक होगे. तुम मेरे नाम को, मेरे वचन को उन लोगों तक ले जाओगे जिन्होंने कभी परमेश्वर का वचन नहीं सुना. I started shivering in my shoes. Book of Acts chapter 13 verse 47 में लिखा है, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, पवित्र के काम उसका 13 अध्याय 47 पद में परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, तू मेरा चुना हुआ पात्र है. उसने परमेश्वर की आज्ञा को मान लिया. उस रात मेरे जीवन की सबसे कठिन रात थी, क्योंकि मैं अपने जीवन के ऊंचाई पर पहुंच गया था. मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को छू लिया था. मैं इंजीनियर बनना चाहता था, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहता था. एंड आई गॉट माय प्लेसमेंट. आई वर्क विद सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन एज एन इंजीनियर इन दिल्ली. दिल्ली में मैंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी डिवीजन के लिए काम किया. आई वॉज गेटिंग अ वेरी गुड सैलरी. लेकिन अचानक मेरे सामने एक बड़ी दुविधा आ गई. आई विल सेंड यू फार अवे टू जेंटाइल्स. मैं तुझे दूर दूर अन्य जातियों के पास ले चुका. प्रभु तुम क्या चाहते हो? प्रभु ने कहा, आज की सुबह तेरे लिए दिल्ली में ये आखिरी सुबह होगी. योना के समान मैं भागना चाहता था. अब वो किंतु रन लाइक ए जोना. परमेश्वर मुझे दाएं भेज रहा है, मैं बाएं भाग रहा हूं. परमेश्वर मुझे ज्योति में भेज रहा है और मैं अंधकार की तरफ दौड़ रहा हूं. इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन इन माई लाइफ. आई वॉज स्टैंडिंग एंड थिंकिंग वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू. और मेरे पास कोई सहायता भी नहीं थी. मैं किसी से इस बात को कह भी नहीं सकता था, क्योंकि कोई नहीं समझेगा किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझसे बात की है. मैं जवान हूं, मेरे सामने एक लंबा भविष्य है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे जीवन में वो सारी महत्वाकांक्षाएं, मेरा घर कहां से आएगा, मेरी गाड़ी कैसे होगी, मेरी इतनी मोटी पगार का सैलरी का क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, जब मैं सेवक बन जाऊंगा कैसी परिस्थितियां होंगी. हजारों सवाल मेरे सामने आ गए. लेकिन प्रभु ने कहा, मैंने तुझे दूर दूर अन्य जातियों के लिए चुना है, तू मेरा चुना हुआ पात्र है. सवेरे 9:30 बजे जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा, मेरे लिए आसान नहीं था. इट वॉज नॉट इजी फॉर मी टू राइट माई रेजिग्नेशन. अपने त्याग पत्र को लिखना, उस रेजिग्नेशन लेटर को लिखना, मेरे हाथ कांप रहे थे. I was thinking कि मैं अपने जीवन को, अपने भविष्य को कुल्हाड़ी मार रहा हूं. क्या होगा? पूरी जवानी, पूरा जीवन सामने पड़ा है. एंड आई डोंट नो गॉड्स प्लान. मुझे नहीं मालूम परमेश्वर की इच्छा क्या है. मैंने तो केवल उसकी आवाज को सुना है, लेकिन मैंने भविष्य को नहीं देखा, मैंने जीवन को नहीं देखा. मेरे प्रियो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं. जब आप फ्लाइट में बैठते हैं, when you know travel by aircraft, आप विंडो से बाहर देखिए, आपको लगेगा ये बिल्कुल नहीं चल रहा, केवल एक आवाज आ रही है और लग रहा है ये तो हवा में खड़ा हुआ है. You will never feel. आपको लगेगा कि ये बस हवा में बस खड़ा है. But do you know the same time, जब आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये हवा में खड़ा है, it's not running. The aircraft is running with 871 kilometer per hour. 871 kilometer per ghante ki raftaar se wo aage badh raha hai. Same way, when you look to the God's voice, when you hear God's voice, you don't know. Arey to kuch bhi nahi hai. Isse kya fayda hoga? Par main aapko batana chahta hu. Parmeshwar gatiman Parmeshwar hai. Uski gati akhamya hai. उसके कार्य अद्भुत है. यद्यपि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू द गॉड इज वर्किंग माइटली. वो परमेश्वर सामर्थ के साथ काम कर रहा है. जिस समय आप शक में हैं, जिस समय आप दुविधा में हैं, जिस समय आप सोच रहे हैं, जिस समय आप भविष्य की योजना बना रहे हैं, उस समय परमेश्वर सामर्थ के साथ कार्य कर रहा है. सामर्थ के साथ कर रहा है. आई वॉज कंफ्यूज इन माई लाइफ. क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन मैं बताना चाहता हूं, उस समय परमेश्वर सामर्थ के साथ कार्य कर रहा था. वो सुबह मेरे लिए कठिन थी. वो त्याग पत्र देना
मेरे लिए कठिन था। मिस्टर कपिल वाधवा हमारे डायरेक्टर थे, जब मैं उनके पास अपने त्याग पत्र को लेकर पहुंचा, उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आप किसी और कंपनी के साथ काम करेंगे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम विद दिस कंपनी, क्या आपको सैलरी की समस्या है या कोई और बात है। मेरे पास कोई अच्छा उत्तर नहीं था, मैं वहां से निकल आया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा आनंद है। पहला कुरिन्थियों उसका 3:9 में लिखा है, 1 Corinthians 3:9 says, I am his co-worker, मैं उस परमेश्वर के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। वो परमेश्वर, उसने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है। अगर आपको किसी मंत्री, चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री साहब का इन्विटेशन आ जाए, आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, कल मुझे उनसे मिलना है। I have appointment with Prime Minister. I have appointment with Chief Minister. Probably you will not sleep whole night. You will be understanding what to do. आप अपने कपड़ों को प्रेस करेंगे, अपने जूतों को चमकाएंगे, अपने चेहरे को साफ करेंगे, कल के लिए मुझे तैयार होना है। लेकिन मेरे प्रियो, जब राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर आपको बुलाता है, आप शक करते हैं। वो परमेश्वर जब आपको अपनी बाहों में बुलाता है, जब वो आपका नाम लेकर आपको बुलाता है, क्यों शक और शंकाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पत्रस उस दिन दाहिने जाल नहीं डालता तो वो आज भी मछली ही पकड़ता रहता, लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, आज उसके नाम को हम इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक, हालेलुया, इस संसार की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक में उसके नाम को और उसके काम को देख रहे हैं। अद्भुत, वो तो मछुआरों की भीड़ में खो जाता, बट ही ओबेड गॉड। बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी प्रेतों के काम लिखा जा रहा है। डोंट यू बिलीव दैट? Don't you believe that God's work is not yet end? अभी परमेश्वर की पुस्तक बंद नहीं हुई है, अभी परमेश्वर का कार्य समाप्त नहीं हुआ है। The work of God is going happening, और आप उसमें co-worker हैं। अब उस पौलुस का समय चला गया, अब वो पत्रस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन आधुनिक युग में उस परमेश्वर ने आपको अपना कोवर्कर कहा है। आप उस परमेश्वर के याचक हैं, आप उसका चुना हुआ वंश हैं, आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसकी समानता में हैं। प्रभु का वचन कहता है तुम उसके मित्र हो, उसने आपको मित्रता के लिए बुलाया है, उसने आपको बड़े बड़े कार्यों के लिए बुलाया है, असंभव कार्यों को। आप में से बहुत सारे लोग निक वोयचिक को जानते होंगे, निक वोयचिक जिसके हाथ पैर नहीं है। If you see his videos, probably you will cry. The first time I saw Nick's video, I was surprised. I was thrilled in my heart. ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा। I have seen so many people without hands and without legs. इस संसार में हजारों लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, और वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, वो एक कमजोर जीवन जी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ निक एक आजादी का जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को, अपनी सामर्थ, अपनी कमजोरी को प्रभु के हाथों में दे दिया, उसने प्रभु के वचन को ले लिया, और आज परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर एक व्यस्त व्यक्ति बना दिया। ही इज अ हाईली, यू नो, ही हैज नो टाइम। उसे बड़ी बड़ी सभाओं में जाने का अवसर मिलता है, और परमेश्वर के महान कार्यों को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के सिद्धांतों को बांटने का अगम्य समय मिलता है। He traveled all over the world. पिछले दिनों he was in Singapore. मैं भी सिंगापुर में था, वो भी वहां पे थे। मेरे प्रियो, उसके हाथ पर नहीं, लेकिन उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, और प्रभु ने उसे कितनी आशीष दी। He is a wonderful speaker. He traveled all over the world. उसका मैं एक वीडियो देखा, he said one thing, many people, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर तरस करते हैं, मेरे लिए बहुत सारे लोग तरस करते हैं, मेरे हाथ पैर नहीं है, लोग मुझ पर तरस की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आपको मालूम है,
उसने कहा मैं लोगों को तरस की दृष्टि से देखता हूं। लोग सोचते हैं कि मेरे हाथ पर नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारे पास जीवन नहीं है, तुम्हारे पास अनंत की आशा नहीं है, तुम्हारे पास अनंत जीवन नहीं है, तुम उस पर क्या तरस करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर तरस करता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, परमेश्वर ने आपको समझ दी है। वो छोटा लड़का अपना डिब्बा लिए बैठे था, ये आसान नहीं था अपना डिब्बा किसी के हाथों में दे देना। मैं 3 दिन से मैं भी भूखा हूं, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन क्या हुआ, उसने अपना डिब्बा प्रभु के हाथों में दे दिया, अपना भोजन प्रभु के हाथों में दे दिया, जो कुछ उसके पास था उसने प्रभु को दे दिया। और फिर क्या हुआ, क्या वो भूखा मर गया? नहीं, हम देखते हैं 5,000 लोग तृप्त हो गए, 5,000 लोग तृप्त हो गए, और ना केवल इतना 12 टोकरी भोजन बच गया। जब आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हैं, आप अपना समय प्रभु के हाथों में देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप बच जाएंगे, आप बच जाएंगे। परमेश्वर आपकी बुद्धि आपकी क्षमता को लेकर लोगों को आशीषित कर देगा, आपके द्वारा लोग शांति पाएंगे, आपके द्वारा लोग जीवन को पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने जीवन आपके हाथों में दिया है। मैं जवानों को इनकरेज करना चाहता हूं, आपके सामने बहुत लंबा जीवन, हो सकता है आप 22 साल के हो, आप 28 साल के हो, मैं आपको अपनी एज नहीं बताऊंगा, ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया व्हाट्स योर एज, पर अभी तक किसी ने मुझे सही एज नहीं बताई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आपके सामने एक लंबा जीवन है। लिसन गॉड केयरफुली, जब आप परमेश्वर को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य से काम करेगा। गॉड विल श्योरली वर्क। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए आपको दुख उठाना पड़े, बट आई अश्योर यू द रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो निश्चित है, जो रिजल्ट है वो निश्चित है। हो सकता है परिस्थितियां कठिन हो, ऐसा नहीं मैं अपने जीवन काल में कठिन समय से निकला हूं, मैं और मेरी पत्नी वी हैव सीन वेरी टफ टाइम। जब मेरी वाइफ को फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, शी वॉज इन लेबर पेन, हम डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, एंड वी नीड 45,000 राइट नाउ, 45,000 रुपए आप जमा कर दीजिए। दैट टाइम आई हैड ओनली 90 रुपीज इन माई पॉकेट। Myself, I was an engineer. My wife is also an engineer. But because we obeyed God, we gone through some tough time, just like in Noah. Noah के लिए आसान नहीं था जब वो जहाज बना रहा था। पौलुस के लिए आसान नहीं था जब वो लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाता था। पौलुस के लिए भी आसान नहीं था जब वो अन्य जातियों की सेवा करने के लिए निकला। वो जब सुनाने के लिए निकला, उसे मारा गया, उसे घसीटा गया, उसे जेल में डाला गया। हमारे साथ तो इतना भी बड़ा व्यवहार नहीं हुआ। But that time was really difficult. My wife was in pain. She was in a labor pain. And doctor said, you please give 45,000 please right now. Then we will take her to operation theater. हम उसे operation theater में ले जाएंगे। But first you give 45,000 please. You know, I cried. Literally I cried. मैं अपनी पत्नी के पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा लेट्स गो फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, अब हम इस हॉस्पिटल से जाएं। शी वाज क्राइंग, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हम किसे फोन करें, हम कहां जाएं। मैं अपनी कहानी को बहुत संक्षेप करके बता रहा हूं। दैट वाज अ वेरी हॉरिबल टाइम फॉर मी, मानो मेरी दुनिया उलट गई हो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। द वेरी मोमेंट आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड, मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, ब्रदर विकास आप कहाँ हैं, आपके घर की चाबी मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। And I was crying over phone. उसने कहा आप क्यों निराश हैं, आप यू आर क्राइंग, आप रो रहे हैं। Then I told my story, मैंने अपनी कहानी उसको बताई। उसने तुरंत मुझे एक फोन नंबर दिया और वो जयपुर शहर में एक क्रिश्चियन डॉक्टर का फोन नंबर था।
जब मैंने वहां फोन किया उन्होंने इमीडिएटली हमें वहां कॉल किया, और जब पहली बार मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में लिया आई रियली क्राइड इन माय आईज, क्योंकि मैंने परमेश्वर के महान कार्य को देखा। जब आप विश्वास के दौर में दौड़ते हैं, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, संसार आपके विरोध में होगा, लोग आपके विरोध में होंगे, यह आसान नहीं होगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसका उपहार निश्चित है, इसका उपहार निश्चित है। जब नोहा को लोगों ने चैलेंज किया, मजाक उड़ाया, इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन आपको मालूम है आज अगर आप इस संसार में जीवित हैं, ऑफकोर्स इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, यद्यपि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन ये किसी की विश्वास योग्यता का कारण नहीं है। एक नोहा की वजह से परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवन को वापस लौटा दिया। एक व्यक्ति की विश्वास योग्यता, एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने जीवन को वापस लौटा दिया। मेरे प्रियो, God has placed you somewhere, परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है ताकि वहां आज्ञा मानकर आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। परमेश्वर ने आपको कहीं रखा है, परमेश्वर ने आपको एक घर दिया है, परमेश्वर ने आपको एक पड़ोस दिया है, परमेश्वर ने आपको एक दफ्तर दिया है, एक ऑफिस दिया है, एक बिजनेस दिया है, परमेश्वर ने आपको एक समाज दिया है ताकि उस समाज में, उस भीड़ में रहकर आप परमेश्वर की आज्ञा को माने और परमेश्वर के महान कार्य को देखें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं यह आसान नहीं था विलियम कैरी के लिए भारत आना, यह आसान नहीं था। अपने देश को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपने भोजन को त्याग कर, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़कर विलियम कैरी का भारत आना आसान नहीं था, और पवित्र शास्त्र बाइबल का ट्रांसलेशन करना आसान नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें भारत जाना है और भारत जाकर पवित्र बाइबल को ट्रांसलेशन करना है, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, ये उसके लिए टफ था, लेकिन उसने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसके लिए कठिन था, वो कैसे इस देश में आया, कैसे उसने यात्राएं की, कितने दिन वो भूखा रहा, कितना कठिन समय उठाया। I have gone through his mission, missionary biography. मैंने उसकी मिशन बायोग्राफी को पढ़ा है, इट वॉज हॉरिबल, लेकिन आपको मालूम है वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानता रहा, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानता रहा, और उसका परिणाम क्या है, उसका परिणाम आपके हाथों में है। आज आप अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुनना सीख सकते हैं। वन पर्सन परमेश्वर एक ईमानदार और आज्ञाकारी व्यक्ति को ढूंढ रहा है। God does not require the whole world. God required one faithful, one righteous person. अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उसे एक जवान की आवश्यकता है, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उसे एक बच्चे की आवश्यकता है। उस छोटे बच्चे ने अपना टिफिन प्रभु के हाथों में दे दिया, और उसकी विश्वास योग्यता, उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा हजारों लोग तृप्त हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया है। God has called you to give. परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप अपना सबसे बेहतर लोगों के साथ बांट सके, और वो परमेश्वर का जीवन है। मैंने संसार को बड़ी नजदीकी से देखा है, लोग व्याकुल हैं, निराश, चारों ओर निराशा ही निराशा है। मैंने तमाम बेरोजगारों से बातचीत की है, तमाम लोग जो बीमार हैं उनसे बातचीत की है, तमाम टूटे हुए घरों से बातचीत की है, तमाम ऐसे पत्नियों से बातचीत की है जिनका जीवन बिखर रहा है, तमाम जवानों से बात की है उनके जीवन में कोई संभावना नहीं है, उन्हें नहीं मालूम उन्हें क्या करना है। मेरे प्रियो, संसार के इस हलचल में, इस भागदौड़ में अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो आपका सृजनहार परमेश्वर है, द गॉड हु क्रिएटेड यू। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, योर डॉक्टर कैन नॉट हेल्प यू, आपका वकील आपकी सहायता नहीं कर सकता, आपके मित्र आपकी सहायता नहीं कर सकते, समटाइम्स योर पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प यू, समटाइम्स योर सन, योर चिल्ड्रन, योर हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट हेल्प यू, ओनली द गॉड हु क्रिएटेड यू ही नोस। उसको पता है आपको सही समय पर कहां होना है, उसको मालूम है आपको किससे मिलना है, उसको मालूम है आपके कल के आने दिन में आपको क्या करना है। इसलिए मैं लोगों को एनकरेज करता हूं। अभी जवान बच्चे गाना गा रहे थे,
मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने वचन याद किया, क्या तुमने वचन पढ़ा? मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड मेमोराइज टू। ना केवल परमेश्वर के वचन को पढ़िए, लेकिन परमेश्वर के वचन को कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। पिछली बार जब मैं सभा में आया था, वहां मैंने जवानों को चैलेंज दिया, लोगों को चैलेंज दिया, 500 बाइबल वर्स 3 महीने में याद कर लीजिए। हालेलुया। जब वचन आपके अंदर होगा, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। मैंने अपने जीवन में एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया जो मैं नहीं चाहता कि आप कभी करें। मैंने लगातार 15 दिन बाइबल नहीं पढ़ी। लिसन बी वेरी केयरफुल, मैंने लगातार 15 दिन बाइबल नहीं पढ़ी। I just wanted to see what happens. मैं देखना चाहता था इसका इसका consequence क्या है, इसका result क्या है। 15 days. And as you know, I travel a lot. आपको पता है मैं यात्राएं करता हूँ। परमेश्वर मुझे बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाते हैं, सब जगह मुझे जाना होता है। I was in Gujarat. ये मेरा 6th दिन था जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी। ये 6th दिन था जब मैं स्टेज पर आया। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं था। God was not with me. मैं वहां खड़ा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरी दिशा क्या होगी, आज का वचन क्या होगा। 6th दिन निकल गया, मैं आगे बढ़ा। 9वां दिन आया, मेरे सामने अंधकार था। 10वां दिन आया, मैं चिड़चिड़ा हो गया। 11वां दिन आया, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती, मैं पागलों के समान हो गया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 15 दिन तक देता हूं। जब 15वां दिन आया, I was gone mad, मैं पागल हो गया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, हम नष्ट हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही ऐसा है, हम इस प्रकार से बनाए गए हैं, हमारी रचना ही इस तरह से हुई है कि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर नहीं लेंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। 15वें दिन की रात मैंने घुटने टिकाए, परमेश्वर से 15 दिनों की क्षमा मांगी, लेकिन दृढ़ और निश्चय किया कि मैं प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। I will meditate on His words. मैं उसके वचनों को याद करूंगा। मेरे प्रियो, before I close, I know you people are intelligent. और मुझे बहुत अधिक समझाने की आवश्यकता भी नहीं है। But few things before I close, I just want to share with you. The very first, you are precious in sight of God. आप परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य हैं। You are special. You are not ordinary. You are not ordinary, my friends. God has called you for a specific purpose. परमेश्वर ने आपको बड़े कामों के लिए बनाया है, अद्भुत रीतियों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। मैं सोचता हूं कि अगर उस दिन उस रात में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो मैं क्या कर रहा होता, मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं। अगर उस रात परमेश्वर की उस दिन पत्रस प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहा होता तो वो मछली पकड़ रहा होता। But praise God, I obeyed you. मैंने उसकी आज्ञा को माना। उसका रिजल्ट क्या मिला, उसका रिजल्ट क्या मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हमारे घर में कोई चीज खराब हो जाती है, टूट जाती है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। कोई भी चीज हो, कैलेंडर फट गया हम उसे फेंक देते हैं, रिमोट टूट गया उसे हम फेंक देते हैं, पंखा ने काम करना बंद कर दिया उसको फेंक देते हैं, फ्रिज खराब हो गया कबाड़ी को दे देते हैं, कपड़े खराब हो गए हम उसे फेंक देते हैं। अर्थात जब लक्ष्य से कोई चीज भटक जाती है, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उसको बनाया गया है, वो उस उद्देश्य को करना बंद कर देती है, हम उसे फेंक देते हैं, हम उसे फेंक देते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है, और शैतान चाहता है कि हम उद्देश्य से भटके जाएं, हम अपने उद्देश्य से भटक जाएं और
हमारा भी वही स्थान हो जो एक कचरे का स्थान है, लेकिन परमेश्वर का वचन प्रत्येक दिन हमें स्मरण दिलाता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान, आज्ञा को मानिए, परमेश्वर की आज्ञा में चलिए, सुनिए परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। मैंने आपसे कहा था जब मैं यहाँ आया, मैंने आपसे कहा था इज अ लिविंग गॉड, वो जीवित परमेश्वर है, वो बात करता है। मैंने 15 दिन उसकी आवाज को नहीं सुना, मैं पागल हो गया। He is a living God. He will surely talk to you. आप उसकी वचन को पढ़ाइए। Remember, you are precious in sight of God. लोग आपसे क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। आप साधारण हैं, आप गरीब हैं, आप कम पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। Wherever you are, आप जहां कहीं हैं, परमेश्वर वहीं अपनी महिमा को प्रकट करेगा। Wherever you are, God will bless you right then and there. वहीं पर परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, वहीं परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा। आपको अपनी जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। You not need to change your place. Wherever you are, if you are obedient, अगर आप आज्ञाकारी हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज याद रखिए, परमेश्वर ने हम में से हर एक के अंदर अपनी विशेषताओं को रखा है। हम में से कोई खाली नहीं है, हम में से कोई खाली नहीं है। हमारी कलीसिया में एक बहन आती है जो सबसे साधारण है। She is the most ordinary woman. She is not beautiful at all. उसका उसके उसके शरीर का आकार भी बहुत कमजोर है। And she is not beautiful. उसे कपड़े पहनने का भी अच्छा तरीका नहीं मालूम, उसको बाल बनाने का भी अच्छा तरीका नहीं मालूम। जब पहली बार मैंने उस बहन को देखा, मैं अपने मन में थोड़ा सा हंसा, मुस्कुराया। मैंने कहा ये बहन कैसी है, ये कितनी साधारण है। और जब उसने बोलना शुरू किया, उसके पास अच्छे शब्द नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे। मैंने कहा शी इज द मोस्ट ऑर्डिनरी और शी कैनॉट डू। जब वो कलीसिया में आकर आगे बैठती, सबसे आगे बैठती, मैं सोचता सारे लोग मेरी बात समझ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता ये मेरी बात नहीं समझ रही है। क्यों? क्योंकि मैं तो बड़ी बातें बता रहा हूं, मैं तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, इससे क्या पता चलेगा। लेकिन आपको मालूम है आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद, I respect that woman the most. आप जानेंगे क्यों? आप जानेंगे क्यों? क्योंकि उसने, उसे 4 साल में 1000 बाइबल वर्स याद कर लिए। 1000 पूरी कलीसिया में कोई नहीं कर पाया, बट शी है सर। जब हम वचन पढ़ने के लिए कहते हैं निकालिए पहला कुरिन्थियों 5:17 पर, खट से वो वचन निकाल देती है। Then I changed myself. No, she is growing in the Lord. She is not ordinary. She is the most blessed. और आपको मालूम है जब वो प्रभु में और बढ़ने लगे, She never come alone to church. वो कलीसिया में कभी अकेले नहीं आती, वो हमेशा एक भीड़ को लेकर चलती। और पढ़े लिखे बुद्धिमान सुंदर लोग जो अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलते हैं, वो उस महिला से प्रार्थना कराने के लिए उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। We all learn, हम सीखते हैं। ये मेरी सोच थी, लेकिन परमेश्वर ने सोच को बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सोचते हैं मैं साधारण हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मुझे तो बाइबल नहीं आती, मुझे तो पास्टर के समान बोलना नहीं आता, आपको नहीं मालूम परमेश्वर अभी भी गतिमान परमेश्वर है। जब आप कंफ्यूज हैं, जब आप अपने आप को साधारण कह रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर कह रहे हैं, उस समय परमेश्वर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग और कुछ नहीं हो रहा है। पर आपको मालूम है एक ट्रेन जयपुर से बॉम्बे आने के लिए 16 से 20 घंटे लगाती है और बहुत खबल खबल होता है। और आप खिड़की से बाहर देखिए, आपको लगेगा ट्रेन कितनी तेज चल रही है। रात के समय में तो ऐसा लगेगा कि बस ये पटरी से ना होता जाए, खबल खबल खबल, इतनी तेज गतिमान। लेकिन उसे पहुंचने के लिए 20 घंटे लगते हैं, पर वो फ्लाइट तो लगता है चल ही नहीं रही है, वो 1.5 घंटे में आपको जयपुर से बॉम्बे ले आती है। जब आप कंफ्यूज हैं, जब आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, नथिंग हैपेंस, परमेश्वर सामर्थ्य से आपके जीवन में काम कर रहा है। He is working powerfully. इसलिए रिमेंबर दैट यू आर प्रेशियस
एंड यू आर ब्लेस्ड. आप परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित हैं. आपके अंदर बहुत कुछ है. आप परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर आपको बताएगा आप कौन है. बिल्कुल मेरी बच्ची के समान, उसे नहीं मालूम एटीएम कैसे यूज करना है. बट आई नो, सेम लाइक यू डोंट नो, बट गॉड विल टीच यू. परमेश्वर आपको बताएगा हाउ टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कैसे गतिमान होना है. आपको प्रत्येक दिन के निर्णय कैसे लेने हैं, आपको लोगों से कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, इस संसार में बड़े बड़े निर्णयों को कैसे लेना है, परमेश्वर आपके साथ करेगा. द गॉड विल श्योरली हेल्प यू. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो यहां एक बच्चा है, समथिंग लाइक दैट. The people will look to you. लोग आपको आशा की निगाह से देखेंगे, आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए. लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे, क्योंकि संसार के पास संसार को देने के लिए कुछ नहीं है. संसार खाली है, लेकिन आपके पास अनंत जीवन है, आपके पास स्वर्ग की कुंजियां है, आपके पास परमेश्वर का परिचय है, आपके पास परमेश्वर की योग्यताएं हैं, आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, आपके पास परमेश्वर का जीवन है. मेरे प्रियो, आपको लगता है लोग खुश हैं महंगी गाड़ियों में, अच्छे कपड़ों में, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उनका हृदय दुख से भरा है. अगर आप उनके हृदय को टटोल के देखेंगे, आप देखेंगे उनके जीवन में कितना तकलीफ है, कितनी तकलीफ है. मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के साथ था. उसने कहा, हम इस संसार को हंसाने के लिए पैसा देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी अंदर से अंधकार से भरी है. हम संसार को तो हंसा रहे हैं, हम लोगों का तो मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन स्वयं हमारा जीवन अंधकार से भरा है, नरक से भरा है. आई प्रेड फॉर हिम. बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं संसार अंधकार से भरा है, लेकिन आपके पास ज्योति है. संसार अंधकार से भरा है, लेकिन आपके पास जीवन है. So go and give it to the world. आप जाइए और संसार में वो दे दीजिए. आपको मुफ्त में मिला है, आप मुफ्त में दे दीजिए. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं. अपनी आंखों को बंद कीजिए. मैं चाहता हूं भाई अंतरी ऊपर आ जाए. हम प्रभु के गीत के द्वारा उस प्रभु का धन्यवाद करें जो जीवन का स्रोत है, वो हमारे जीवन का आरंभ है, उससे हमें नाम लेकर बुलाया है. जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखे. सुनो तो प्रभु का वचन कहता है कि संसार तुम्हें दुख देता है, लेकिन ढांढस बांधो मैंने संसार को जीत लिया है. भजन संहिता 34:4, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको बड़े बड़े कार्यों के लिए बुलाया है, उसने आपको महान निर्णय लेने के लिए बुलाया है, उसने आपको अपने खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है. आप कमजोर नहीं है. आप कहें आई एम नॉट वीक, मैं कमजोर नहीं हूं. द anointing ऑफ गॉड एंड द अथॉरिटी ऑफ गॉड इज विद मी. धन्यवाद प्रभु. अपने साल पर खड़े हो जाए. लुक टू द क्रॉस. क्रूस एक भयानक, एक कड़वा शब्द था. कोई इसके विषय में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर लटका कर मार दिया जाता था. कोई क्रूस के विषय में बात नहीं करता था. लेकिन जब आपका यीशु उस क्रूस पर लटकाया गया, उस क्रूस का चरित्र बदल गया, उसका लक्ष्य बदल गया, वो जो सबसे घृणित था वो संसार का सबसे सम्मानित वर्ड हो गया. हजारों सर उसकी उपस्थिति में झुकते, उसकी महान करुणा हम पर है. उसने हमें नाम लेकर बुलाया है. पूछिए आपकी शान, आप अपने जीवन से प्रश्न कीजिए, मेरे जीवन का केंद्र क्या है. वो बोल खाए मैं दिस बोल, मैं इस संसार में क्यों हूं. अगर आपको उत्तर ना मिले तो प्रभु का वचन सुनिए.
हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए बुलाए गए, हम उसकी आज्ञा को मानने के लिए बुलाए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू। आई थैंक यू महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से पिता जितने लोग यहां खड़े हैं प्रभु जी, इनमें से हर एक आपकी दृष्टि में बहुमूल्य है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमें से कोई भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं, बल्कि आपके बताए मार्ग पर हम चलते रहे और जीवन को प्राप्त करें। आपके महान कार्यों को प्रभु जी, जो अद्भुत योजनाएं आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी, हम उसमें शामिल हो जाए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है संसार तुम्हें छोड़ देगा लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। धन्यवाद प्रभु जी आपके महान बलिदान के लिए, आपकी सुंदर योजनाओं के लिए। आपने हमें संसार में इसलिए बुलाया है ताकि हम महान कार्य को कर सके। We may create the history in the name of Jesus Christ. We may challenge the world. We may change the world. प्रभु परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Thank you Lord. We worship you. Worship you. In Jesus' mighty name we pray.